गुड मॉर्निंग। न्यू जर्सी में पता है इतनी ज़्यादा चिल लाइफ है ना, यहाँ पे 10-12 डॉलर में, $15 में लोग घर पे आपके बढ़िया एकदम हिंदुस्तानी खाना भेजते, एकदम टेस्ट वाला। ऐसा नहीं कि मतलब कि ब्लैंड फर्जी, नहीं, एकदम बेहतरीन टेस्ट वाला। तो भाई यहाँ तो बहुत ही आदत खराब हो जाएगी कंफर्टेबल। अभी मैंने छोले भटूरे मंगाए यार, छोले भटूरे खा रही हूँ मैं अमेरिका में बैठ के, बताओ आराम से मतलब। और पोर्शन साइज अच्छा बड़ा आता है तो 2-3 टाइम खाऊंगी मैं तो बढ़िया पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो बहुत ही खुश भी हूँ, कंफर्टेबल भी हूँ। पता नहीं क्या है यहाँ से डिसीजन, क्या निर्णय लेना है कि यहाँ रहना है कि न्यूयॉर्क रहना है। पर न्यू जर्सी में मस्त है यार, खाने वाने का सिस्टम बहुत सही है। तो बहुत ही खुशी की बात शेयर कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइफ की मेरी अपॉर्चुनिटी, शायद आज तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। मैं जाकिर भाई, जाकिर खान का शो है न्यूयॉर्क में, उसमें मैं ओपनिंग एक्ट कर रही हूँ 10 मिनट की, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। इतने सारे लोगों के सामने कभी परफॉर्म नहीं किया, इतने बड़े आर्टिस्ट के लिए कभी परफॉर्म नहीं किया, और इधर नए देश में, दिस इज़ न्यूयॉर्क में पहली बार मैं परफॉर्म करूँगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, इमोशनल भी हूँ। अच्छा करना है, और मतलब यू नो, जितने भी अच्छे अच्छे जोक्स लिखे, सारे इकट्ठे करके सारे अच्छे से करना है, सबको एंटरटेन करना है यहीं से, क्योंकि काम बिल्ड होगा स्टैंड अप का यहाँ पे, थोड़ा सा और सीन बनेगा तो और भी लोग अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, स्पॉट देंगे। तो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ, मालिक की कृपा है, बहुत ग्रेटफुल हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का भी यार, कि तुम लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है जीवन में। तो अब जब चीज़ें फाइनली मेरे लिए थोड़ी सी मटेरियलाइज होने लगी है, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है। वह देख के कोई कह सकता है अगर सिर्फ यही चीज़ देखे तो कि ये इंडिया में नहीं है और अमेरिका में? बहुत ही भाई क्या खाना है, बेहतरीन, खुशबू भी एक नंबर आ रही है। खाना मैंने जो सुबह छोले भटूरे दबाए थे, उसके बाद मैं भयंकर सोई मस्त 1-1.5 घंटा। मुझे 5 बजे का अपॉइंटमेंट मिलने जाना था किसी से, तो 4:20 का मैंने अलार्म लगाया था। और वो जो फूड में मतलब जो मेरा इतना मगन थी, मैं इतना मस्त खाकर मैंने कल का अलार्म लगा दिया। पर लकीली मेरी बॉडी क्लॉक, मेरी एंगजाइटी जो होती है वो हमेशा मुझे उठा ही देती है, जब भी मुझे उठना होता है उस टाइम पर। तो अब मैं जा रही हूँ एक लड़की से मिलने, जो कि है पोटेंशियल रूममेट, उसका बजट भी मेरे बजट जितना ही है, तो मालिक की कृपा रही तो ये वाला हो जाएगा फाइनल। मैं को मैनहट्टन ही रह लूँगी, फिर यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। बाकी चीज़ें इसके साथ सॉल्ट है, मैंने पहली बात कर ली थी। बजट थोड़ा इसका भी अपना आसपास ही है, फ्लेक्सिबल है घर की, इसको इतनी ज़्यादा इसकी भी डिमांडें नहीं है, बस अच्छा घर चाहिए। और बहुत टाइम से न्यूयॉर्क में रह रही है तो पता भी है इसको कि क्या सिचुएशन है। फिर बढ़िया, एक एक चीज़ अच्छी ये है कि फालतू के रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। लड़की वेजिटेरियन है, पर ये नहीं चाहिए उसको कि मैं भी वेजिटेरियन बन जाऊँ उसके चक्कर में, घर में खाने वाने ना लेके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो करना है करो। मुझे तो पर्सनली सबकी वाइब अच्छी लगती है, मतलब अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एकदम ऐसा, मतलब कि आपके आपके आसपास आकर ही पूरे मतलब माहौल ख़राब कर दे, ऐसा जब तक कोई ना हो। मुझे ज़्यादातर लोग पसंद आते हैं, मैं अकोमोडेटिंग फ्लेक्सिबल भी हूँ, बात बात करते हैं, उसको अपनी वाइब अच्छी लगनी चाहिए भैया, वो बहुत ज़रूरी है। पर ये देखो आज बारिश हुई है थोड़ी हल्की हल्की, तो ये जर्जी में पूरी बिल्डिंग है, ऊपर ऊपर से पूरा फॉग जम रहा है। अभी तो बहुत कम हो गया है, सुबह तो बहुत ज़्यादा था यार, बहुत भयंकर फॉग था सुबह। पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जर्जी में जहाँ पे हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है ज़्यादा, पर एक्चुअली बहुत है। बट ये ना इस तरह से ऐसे ऐसे ठंडे ठंडे बने हुए हैं यहाँ पे, क्या एकदम वो नहीं रहती रेस्टोरेंट में जैसे अपने रौनक रहती है उस तरह की, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ है रेस्टोरेंट कहाँ नहीं है, अंटिल अनलेस आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं जाओ। पर जर्जी बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है न्यूयॉर्क के मुकाबले, तो मतलब सुबह शाम का अंतर है, इतना साफ़ है। कोई कचरा देखो यहाँ पे, तुम लोग कुछ पुराने व्लॉग्स में न्यूयॉर्क में देख रहे होंगे, लेन्स भी छोटी है, हर जगह कचरा पट्टी पड़ी रहती है, और यहाँ पे देखो कुछ कचरा पट्टी नहीं है, कोई रैट वैट की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत पास में है ये न्यूयॉर्क से, बस एक फेरी या ऐसी 10 मिनट की ट्रेन राइड दूर है, पर मतलब अलग स्टेट ही है, न्यू जर्सी तो स्टेट ही अलग है, न्यूयॉर्क स्टेट अलग है, तो वो है भाई अंतर तो बहुत है। चलो आगे अपना रेस्टोरेंट, शायद ठंड है, 11 डिग्री कुछ है, तो अब 11 डिग्री तो अपने कुछ लगती ही नहीं, महसूस ही नहीं होती है, जैकेट पहन के हवा से बचने के लिए निकल जाती हूँ मैं। तो अब मेरा कल यहाँ पे मेरे को जाकिर भाई के शो में स्पॉट करना है, उसके बाद परसों मेरा जर्सी सिटी में ही एक शो है, उसमें भी 20 मिनट का स्पॉट है। तो ऐसे अब ऐसे थोड़े 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 करके, अगर हफ्ते में मैं 2 बार भी चढ़ गई स्टेज पर, तो बहुत अच्छा वापस से रिदम आ जाएगी, और अपन मतलब नेक्स्ट 3-4 महीने में एक अच्छी स्टैंड अप वीडियो निकाल पाएंगे। जर्सी स्कूल में इंडियन इंडियन लोग कितने सारे हैं, इसका तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैं ये स्कूल के बाजू में से निकल रही हूँ,
ये देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने कुछ उखाड़ा होगा, मतलब कुछ अच्छा किया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अथर्व एंड समीक्षा, ये इंडिया इंडिया में आ गया, ऐसा लग रहा है दोनों बच्चे अथर्व और समीक्षा को कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहा है मस्त। मैं अभी एक दूसरे दोस्त से मिलने जा रही हूँ, परम से, परम को शायद तुम लोग जानते होंगे, उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। पर अभी हम लोग स्टेशन पे ट्रेन लेने आए हैं, ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा यार, ये उस तरफ पूरा मैनहट्टन है जो मैंने तुमको कल दिखाया था ना न्यूपोर्ट से जाके कि पूरा मैनहट्टन दिख रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना कोहरा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है। ये देखो ये पूरा रिवर फ्रंट, मैं कल आई थी यहाँ पे रिवर फ्रंट पे तो कल कैसा लग रहा था, और आज देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा मैनहट्टन वरना स्काई लाइन दिखती है, लाइट्स दिखती है, पर सब ये देखो पूरा कोहरा है। तो जर्सी से मैनहट्टन आने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आना पड़ता है, मैं मैनहट्टन आई हूँ परम से मिलने, और ये देखो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला पहले बताया था ना मैंने, ये देखो कितना मस्त लग रहा है आज, इन्होंने ग्रीन लाइट्स लगा रखी है यहाँ पे, इट्स लुकिंग सो नाइस। मैं ना इधर ये परम की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, एंड आई वाज गोइंग टू सिट देयर, तो मैं उधर से बैठने जाने वाली थी, जहाँ से हमारे यहाँ बैठते हैं, पर ये अमेरिका में उल्टे साइड बैठना होता है। नहीं इधर सीधा है। अच्छा ये सीधा है, हम उल्टे साइड बैठते हैं इंडिया में। सही है। चलो हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं, पता नहीं अभी ये उल्टे साइड बैठ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, शिवेलरी शिवेलरी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, मैं और परम घूमने, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, वेयर डज लाइफ टेक अस। हम लोग घूम रहे, गाने सुन रहे, देखते हैं क्या रंग कर दिया है। देखो मैं न्यूयॉर्क में नहीं आई हूँ तो मुझे नहीं पता है कि हम किस एरिया में भटक रहे हैं, पर परम को आइडियली पता होना चाहिए, बट मुझे पता नहीं पता। ये इंसान 20-25 साल से यही रह रहा है यार, 21 साल से, बताओ। फिर भी मतलब यार फिर तो इस हिसाब से मैं ही अच्छी हुई ना, मुझे पता है ईस्ट का है वेस्ट का, इतना तो मुझे ही पता है, इतना तो मुझे भी पता है। तो कहाँ है, बताओ, वेस्ट में है कि हम ईस्ट में है? साउथ में। हर घड़ी बदल रही है रोज जिंदगी वाला ब्रिज है ये ब्रुकलिन ब्रिज, शाहरुख खान वाला। मैं यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आ गई हूँ वापस से, ये देखो आसपास का इलाका कैसा शांत है, यहाँ से मेरे को ट्रेन लेनी है न्यू जर्सी के लिए। वेस्टफील्ड, ये अपना मॉल, ऑक्यूलस, ये पूरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के आसपास का इलाका जहाँ मैं हमेशा घूमती रहती हूँ। तो मैं अंदर गई 5 स्टेशन में, और जो ट्रेन है वो 40 मिनट बाद आने वाली है, फिर वापस से बाहर आना पड़ा क्योंकि अब मैं टैक्सी से घर जा रही हूँ, मैं 40 मिनट वहाँ वेट नहीं कर सकती थी। पर ये बहुत ही बड़ा लेसन है मेरे लिए, मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर मैं जर्सी सिटी रहती हूँ तो इस तरह की और भी सिचुएशंस होने वाली है लाइफ में, अगर मुझे मैनहट्टन से जर्सी जाना है तो रात को 10 बजे के बाद सारी ट्रेन्स जो है वो बैक टू बैक नहीं होगी, आधे 40 मिनट 45 मिनट आधे घंटे के गैप में होगी, तो ये समझना पड़ेगा। पर अभी देखते हैं, फिलहाल मैंने टैक्सी बुक कर ली है, टैक्सी से जा रही हूँ, पास में ही है तो ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, पर फिर भी ये दिस इज़ अ लेसन। मैं घर आ गई हूँ और अब भैया क्या टाइम हो रहा है, 1:15-1:30 करीब, अब मुझे सोना है भयंकर। मैं सोच रही हूँ कल सुबह कम से कम 9, 9:30, 10 बजे तक मैं अच्छे से सोऊँ ताकि मेरी अच्छे से नींद हो, क्योंकि कल शो करना है, जोक लिखना है अच्छे से, बहुत बड़ा मौका है ज़िंदगी का, मैं ख़राब नहीं करना चाहती, मैं गंवाना नहीं चाहती, और सबसे सबसे बड़ी बात तो है कि ज़ाकिर भाई ने मौका दिया है तो मैं ये नहीं करना चाहती कि मैंने गंवा दिया मौका, मैंने नाम ख़राब कर दिया, तो वो मुझे नहीं करना है। तो कल आज मैं आराम से सोऊंगी, कल मैं दिन भर पूरे दिन भर रिहर्सल करूंगी, अपने जोक सब अच्छे से लिखूंगी। तुम लोग प्लीज़ यार अपने ब्लेसिंग्स भेजना, अपनी दुआएं साथ रखना, तुमने हमेशा साथ दिया है, आगे भी दोगे मुझे पता है, पर फिर भी मांग रही हूँ। पर बाकी सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे हमेशा सपोर्ट करते आए हो, मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट कर रहे हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। पर आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म कर रही हूँ, कल कोशिश करूँगी कि और अच्छा बना सकूँ, कोशिश करूँगी मेरे शो का भी बता सकूँ, नहीं कर पाई तो भाई माफ़ करना पहले से ही, पर अभी के लिए मैं तुमसे अलविदा चाहती हूँ, बाय।